जलदान एवं पुण्य मोदन विधि पूरी दुनिया में उस विधि को कहते हैं जब घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद घर परिवार के रिश्तेदार के सभी लोग एक समय पर इकट्ठा होते हैं। उस समय जो विधि की जाती है उसको पुण्यमोदन विधि कहते हैं। इस विधि में सुबह का अनुकूल समय लिया जाता है, क्योंकि सुबह को पॉजिटिव एनर्जी सम्यक अच्छी ऊर्जा की अधिकता होती है। इस विधि का उद्देश्य होता है जिस परिवार में मृत्यु होती है उसमें जो शोक की वेदनाएं होती हैं, उन वेदनाओं को उन भावों को पानी की तरह घोलकर खत्म करना और जो पुण्य होता है, जो अच्छी जानकारी या अच्छी वेदनाएं होती हैं उनको सभी में वितरित करना और सभी तक पहुंचाना। ये विधि बहुत पुरानी विधि है। गण परिसा यानी बुद्ध के समय में जो गण परिषद होती थी उससे पहले भी ये व्यवस्था वहां से चली आ रही है। पूरे भारत में पूरी दुनिया में ये व्यवस्था किसी ना किसी रूप में चलती रहती है, विद्यमान रहती है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसका कोई फिक्स या टाइप या कोई रिचुअल क्रमकांड बौद्धों की परंपरा में या बुद्ध की परंपरा में या बोधि परंपरा में नहीं मिलता। ये मनाने के लिए यथासंभव जो सामग्री व्यवस्थापक के पास होती है वही काम में लाई जाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म की जानकारी रखता हो, जिसका मन साफ हो, कोई भिक्कु हो, कोई अर्हत हो, अनागारिक हो, उपासक हो या उपासिका, भिक्कुणी, सामनेर, सामनेरी, कोई अंबेडकरवादी, फूलेवादी या कोई कम से कम 5 सील का जानकार इसको करा सकता है। बहुत सिंपल सी इसका तरीका होता है। बुद्ध को यानी बोधि को नमन करते हैं, धम्म को नमन करते हैं, संघ को नमन करते हैं और उसके बाद में वहाँ जो भी लोग आते हैं वो पुण्य मोदन में भागीदारी बनते हुए अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जो जानकार इसको कराते हैं वो महामंगल गाथा, भिक्कू की कोई विशेष गाथा ऐसा बोलते हैं। फिर एक नीचे थाल रख के लोटे में पानी डालकर और उस पानी को, लोटे को सभी लोग पकड़कर उस थाल में डालते हैं। ये एक प्रतीक चिन्ह होता है कि अब जो दुख की लहरें हैं वो पानी की तरह बहती हुई जा रही हैं और वो इस घर से हमेशा के लिए उस दुख के साथ विदा हो रही हैं और खुशियां फिर अपनी जगह स्थान लेने वाली हैं। इसको इदंग में यातिनंग होतु सुखिना होन्तु यातियो 3 बार बोला जाता है। उसके बाद जब पानी डाला जाता है तो विधिकर्ता कहते हैं यथावारी वहा पूरा परिपूरंती सागरंग एव मेत इतो दिन्नंग पतानंग उपकप्पतु। सागर में पानी तरह जैसे रबर नदियां बहती हुई मिल जाती हैं, ऐसे ही जितनी भी पुण्य मोदन हैं, पुण्य चीज़ें हैं वो सारी की सारी सभी जगह वितरित हों और दुख पूरी तरह से नष्ट हो जाए, चला जाए। ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सद्धिं पंचशीलं अनुगंकत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयमपि ओकासे अहं भन्ते तीसरं से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगंकत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयमपि ओकास
एंग भन्ते तीसरनेन से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। यामहं वदामि तं वदेत। भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। योत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। योत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। योत्यम्पि संगं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संगं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। चतुर्थीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। चतुर्थीयम्पि संगं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तिसृणगमनं परिपूर्णं आं भन्ति। अनातिपाता वीरमुनिः सिक्खापदं समाद्यामि। बाणातिपाता वीरमुनिः सिक्खापदं समाद्यामि। आदिन्नादाना वीरमुनिः सिक्खापदं समाद्यामि। आदिन् दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आमे स्वामिच्चचारा वीरमुनिः सिक्खापदं समादयामि। कामे सुभिक्षाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मोसावादा वीरमुनिः सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। घोरामरया मज्जापमडट्टना वीरमुनिः सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जापमडट्टना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 इमं त्रिश्रणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेना शीलं संपदेत। आमन्ते साधु 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 साधु। तो ये जो कार्यक्रम है यहाँ, इसको बोलते हैं समसंखार। पाली के अंदर सम माने होता है शांति और संखार माने संस्कार। ये मृत्यु उपरांत कार्यक्रम होता है। ये बहुत पहले, बुद्ध से भी पहले के समय से है जब चला आ रहा था। जब भी कोई परिवार में मृत्यु होती है तो परिवार, रिश्तेदार, सारे लोग यहाँ आते हैं
और यहाँ आके पुण्य मोदन यानी कि जो उन्होंने पुण्य जीवन भर कमाया है उसका अनुमोदन होता है, उसको बांटा जाता है और दुख को बांट कर ख़त्म किया जाता है। परिवार में जो दुख पैदा हुई है, लहर है, उसको सब समूह में थोड़ा थोड़ा करके डिजोल्व करके उसे घोल के ख़त्म किया जाता है। ये संस्कार, इसको पुण्य मोदन और इसको वाटर वर्सेटिंग भी बोलते हैं, यानी कि पानी की तरह बहने वाला जो दुख है, यहाँ पानी का संस्कार भी होता है। पानी का संस्कार जिसको जल का बोला जाता है, ये बौद्ध साहित्य और बुद्ध के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो आज हम इसके बारे में तीसरण जो पंचशील हुआ है, तीन आपको जो तीसरण दी गई हैं, तीन शिक्षाएं, जिसमें एक है बुद्ध की शिक्षा के साथ जाना। बुद्ध की शिक्षा का मतलब है, बुद्ध का जो मतलब है वो है बोधि, धम्म और सिद्ध। आप में से कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर बोधि, धम्म और सिद्ध कर देगा तो वो बुद्ध हो जाता है, उसको बुद्ध बोला जाएगा, फिर उसका नाम खत्म हो जाता है, वो उसकी उपाधि हो जाती है। बोधि है जो प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान है, और धम्म है जो प्राकृतिक ज्ञान की उच्चतम अवस्था है, और सिद्ध माने जो उसको सफल कर दे, उसको सीख जाए। बुद्ध सिद्धार्थ वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम किया, इसलिए उनको बुद्ध बोलते हैं। तो तीन शरणों में आप गए हैं, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं गए हैं। और पांच जो सील आपको दिए गए हैं, जिसमें जो पहला सील है वो है कि आपने कोई भी चीज़ बिना दिए नहीं लेनी है, यानी चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, कोई भी झूठ नहीं बोलना है, कोई भी किसी तरह की हत्या नहीं करनी है अकारण, और कोई भी नशीला पदार्थ आपने ग्रहण नहीं करना है किसी भी तरह का। ये जो पांच आपको पंच सील दिए गए हैं, ये पूरी दुनिया में जब से मनुष्य आया ये उस समय के हैं। ये बुद्ध के समय में बहुत ज़्यादा प्रचारित थे और यही उनका सार है। यहाँ आज बुद्ध ने मृत्यु के बारे में कैसे और क्या बताया, उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको, क्योंकि ये संस्कार इसलिए भी होता है कि आप यहाँ बैठे हैं तो अपने आप को जानें, यानी लोक को जानें। लोक का मतलब दो हैं, लोक आपका शरीर भी है और लोक पूरा संसार भी है। तो आप अपने बारे में जाने, निज के बारे में जाने और लोक के बारे में जाने। आज आप यहाँ आराम से बैठे हैं क्योंकि एक भय सबको समाता है कि भाई हमारे एक प्रियजन की मृत्यु हो गई है, नंबर हमारा भी आएगा, तो मृत्यु का भय और लहर चारों तरफ होती है। और ये समय होता है कि मृत्यु के बारे में भगवान बुद्ध के बाद में बहुत अच्छी चर्चाएँ होती थी कि मृत्यु क्या है और कैसे जन्म होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ जो बुद्ध के अनुसार है उसे यहाँ मैं करूँगा। एक माँ से दो बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, जिनको जुड़वा बोलते हैं। आप सबने जीवन भर जुड़वा बच्चे देखे होंगे। जुड़वा बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रूप, रंग, शकल, वजन, सब चीज़ बिल्कुल एकदम मिलती हुई होती है, देखें सबने। और उनको खाना पानी, उनकी भाषा बोलचाल, उनके माता पिता, रहन सहन, बिस्तर, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी एक से होते हैं। मगर दो बच्चे एक से स्वभाव के नहीं होते। वो शरीर भी एक है, रहन सहन भी एक है, खान पान भी एक है, एक माँ से पैदा हुए हैं, हर चीज़ एक है, आँख का रंग है, कान का रंग है, बाल का रंग है, मगर स्वभाव अलग है। वो जो स्वभाव है, जो उनका मन है, जो उसको अलग करता है, बुद्ध ने उस रात इसको यही खोजा कि मृत्यु और जन्म में कैसे काम करता है। जब वो वैसाख पूर्णिमा की रात को बैठे और उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं ये खोज के मानूंगा कि दुख कैसे आता है और दुख कैसे पैदा होता है, तो इसको खोजने के लिए वो अपने लोक, अपने शरीर में उतर गए। हर आदमी उतरता है, हर आदमी बुद्ध बन सकता है, हर औरत भी बुद्ध बन सकती है, सभी में बुद्ध होता है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वही बुद्ध बन सकता है, कोई जानवर बुद्ध नहीं बन सकता। इसलिए कोई मनुष्य अपने आप को साधारण ना माने, और जब तक यहाँ लोग सिखाने आते रहेंगे, जब तक कि हर एक आदमी पार ना हो जाए, दुखों से पार ना हो जाए। तो उस रात जब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 6 साल तक जितना भी ज्ञान था वो सभी सीखा, और सारा ज्ञान सीखने के बाद में उन्होंने अपने गुरुजन से कहा, दुख दूर नहीं हुआ, आपने सारा ज्ञान दिया प्रकृति का, क्योंकि अक्षर तो थे नहीं, भाषा भी उस समय पाली थी, मगधी बोला करते थे, ये हिंदी तो बाद में उससे बनी है। और सारा ज्ञान लेने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि दुख दूर नहीं हुआ, तो उनके जो गुरुजन थे उन्होंने कहा, हमारे पास यही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कारण तो होगा, और वो अकेले ही निकल गए। और उन्होंने जो उस रात देखा, वो तीन बातें उन्होंने देखी जो ज्ञान में आती हैं। पहली बात क्या थी, रात के पहले यम में, यानी पहले पहर में, अब रात की बात चल रही है, शाम की बात,
तो उन्होंने जब ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद शरीर को सारा टुकड़ों में तोड़ने के बाद देखा, तो उन्होंने देखा कि वो अपनी मेमोरी को खोलने में कामयाब हो गए। मेमोरी यानी याददाश्त, यानी कि पुरानी बातें खोलने में कामयाब हो गए। हर एक आदमी, हर एक औरत अपनी पुरानी बातें खोलता है, उसे अपना बचपन याद आता है, उसे अपनी जवानी याद आती है, और जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है सारे कर्म जो बैठा होता है बचपन के याद आते हैं। मगर वो कर्म जो साथ में और भी पीछे से होते हैं, वो खोलने के लिए एक अद्भुत विपसना या मेहनत करने की जरूरत होती है, कोई चमत्कार की जरूरत नहीं होती। तो पहले पहर में ज्ञान में उन्होंने अपने सारे जितने भी पीछे के थे कि वो कैसे बने, वो मनुष्य होते होते कैसे आए, वो सारा उन्होंने खोल के देखा मेमोरी। और जो दूसरे पहर में उन्होंने ये देखा कि ये जो दुख है ये काम कैसे करता है, इसका चक्र कैसे चलता है, और ये कैसे शरीर में आता है, और मृत्यु कैसे होती है। और तीसरे पहर में उन्होंने देखा कि जीवन कैसे बनता है, यानी मनुष्य जानवर पैदा कैसे होते हैं, और ये बढ़ते कैसे हैं और मरते कैसे हैं। ये उनका संपूर्ण ज्ञान है। पहली बात जो मैंने बताई थी कि दो बच्चे जो पैदा होते हैं सब कुछ एक होता है, मगर मन उनका अलग होता है। अगर मन के आप समझ लोगे, क्योंकि बुद्ध ने मन को खोला, तो बहुत सारे लोग मन को समझ लेते हैं कि दिमाग है, ये मस्तिष्क है, और ये जो ब्रेन है इसको मन बोलते हैं। ये मन नहीं है, मन वो है जो आपको काम करने के लिए बोलता है, इस दिमाग को आदेश देता है कि ये दिमाग तू ये कर। इसको आप ऐसे समझोगे जैसे आपका जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास है, मोबाइल में हर चीज़ होती है, मगर अगर उसके अंदर उसका मन ना डाला जाए, यानी जो सॉफ्टवेयर है अगर वो ना डाला जाए तो वो चलेगा नहीं। उसमें चलाने वाला जो तत्व है वो चलेगा नहीं, और उसका कोई वजन भी नहीं है, वो हवा से आता है और हवा में ही चला जाता है। ऐसे ही मनुष्य को चलाने के लिए उन्होंने पहली बार खोजा कि मनुष्य एक मशीन है, मनुष्य खाता है, पीता है, दौड़ता है, और इसका जो दिमाग है वो एक इसका प्रोसेसर है, मगर इसको चलाने वाला मन है, इसको चलाने वाला दिमाग नहीं है। ये बात उन्होंने पहली बार बताई। तब उन्होंने ये देखा कि ये दिमाग जो, ये जो मन है, ये आता कैसे है और ये कैसे काम करता है, मृत्यु कैसे आती है और कैसे काम करती है। आदमी जब शरीर से जाता है, जैसे रति राम जी चले गए, तो रति राम जी का क्या चला गया? रति राम जी का शरीर तो वहीं था और सब की चीज़ वहीं थी, उनको खाने को भी था, पीने को भी था, मगर उनकी मशीन के पुर्जे खराब हो गए। पुर्जे खराब होने से जो मन को चलाने के लिए सही पुर्जे चाहिए वो पुर्जे नहीं मिले, और वो मशीन बंद हो गई। तो जब वो मशीन बंद हो गई तो वो मन कहाँ गया? उस मन को बुद्ध ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि मन कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मन जो बनता है वो शरीर से बनता है, और वो एक साथ नहीं बनता, एक साथ नहीं आता कहीं से, उसका छोटा 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 हिस्सा बनता हुआ आता है, और हजारों सालों में जाके मनुष्य बना है, करोड़ों सालों में जाके मनुष्य का मन बना है। जानवर में भी मन होता है, और जो छोटा जीव है उसमें भी होता है, मगर उसमें छोटा मन होता है, और जो मनुष्य है उसके अंदर सबसे बड़ा मन होता है। दुनिया में मनुष्य का मन सबसे बड़ा है। इसलिए जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका मन बंद हो जाता है, और मन बंद हो के ख़त्म नहीं होता। बुद्ध ने कहा ये ख़त्म नहीं होता, ये बंद होता है, और जो उसने जीवन में कर्म किए हैं उस कर्म की एक फाइल बनती है। बनती तो बहुत सारे कर्मों की है, मगर जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, जैसे आप ये कहते हैं कि मुझे खाना बहुत खाना है, तो खाना खाने की जो फाइल है वो मजबूत बनेगी। आदमी बहुत ज़्यादा खाना खाता रहेगा, उसकी इच्छाएँ बढ़ती रहेंगी, और जब वो मरता है तो वो जो फाइल है, जैसे आप अपने मोबाइल से भेजते हो कहीं फाइल, ऐसे वो फाइल शरीर से निकल के जाती है, और जाती है तो वो जाके उस मोबाइल में जाएगी जो मोबाइल उसको रिसीव करने लायक होगा। ऐसे ही जो शरीर जीव, कोई भी जीव का शरीर अगर उस फाइल को रिसीव करने के लायक होगा तो वो वहाँ चली जाएगी। इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, ये अजर अमर नहीं है। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये बुद्ध ने सबसे पहले अपनी ख़त्म की। उन्होंने कहा कि दुख का कारण जो है वो ये फाइल है जो चलती है, इस फाइल को अगर रिसीव ही ना किया जाए, अगर इस फाइल को ना लिया जाए तो दुख नहीं आएगा। तो उन्होंने बड़े सिंपल सरल भाषा में समझाया कि जैसे मुझे एक बहुत बढ़िया कार खरीदने की फाइल मेरे अंदर बन गई जीते जी, और वो फाइल रही
और फाइल से जब भी कार वो मेरे आमने सामने जाएगी मुझे बड़ा दुख होगा कि भाई कार मुझे मिली नहीं, और अगर वो कार मुझे मिल भी गई तो भी मुझे संतुष्टि नहीं होगी क्योंकि फाइल वहाँ की वहाँ है। अब मुझे और बड़ी कार चाहिए, और बड़ी कार मिल जाएगी, फिर और कई सारी कार चाहिए, वो फाइल बढ़ती रहेगी। तो बुद्ध ने अपनी फाइल ख़त्म करने के लिए क्या किया कि उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने के बाद जो इच्छा वहाँ से कार की आई उस कार की इच्छा को अंदर नहीं जाने दिया, उसको देखा और देख के बिल्कुल शांत रहे, और शांत होने के बाद वो अपने आप वापस चली गई। ऐसे करते 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 उन्होंने वो टेक्निक डेवलप कर ली जिससे कि उनकी जीवन की सारी इच्छाएं उनके कंट्रोल में आ गई और उनका शरीर पूरा कंट्रोल में आ गया। जब उनका पूरा शरीर कंट्रोल में आ गया तो उन्होंने देखा कि औरों का भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उन्होंने सभा लगा के ऐसे करके सब लोगों को सिखाया, और सिखाने के बाद जगह जगह बिहार बनाए और जगह का नाम भी बिहार पड़ गया, जहाँ आज भी मोक्ष यानी मृत्यु से जीवन में दुख दूर करने की जो तरकीब है वो वहाँ बताई और सीखी जाती है। बाद में लोगों ने इसको मोड़ा और तोड़ा। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला बहुत छोटा सा बताया कि जो मृत्यु होती है मृत्यु अंतिम नहीं है, और उन्होंने साफ कहा कोई आदमी अगर दुखों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या भी करना चाहता है तो भी फाइल बंद नहीं होती है। फाइल बंद होगी जब मनुष्य खुद चाहेगा, और कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो उसकी फाइल को बंद कर सके, और ये फाइल बंद की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, जीते जी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीते जी दुखों से मुक्ति पाने वाला जो पहला व्यक्ति था जिसने अपने सारे वान यानी तृष्णा को भग्न किया उसको भगवान बोलते हैं, इसलिए उनका नाम भग्नवान पड़ा। और भग्नवान पड़ने के बाद में वो अकेले ऐसे दुनिया में अभी तक हैं जिन्होंने जीते जी अपने सारे दुख मुक्त कर दिए और बात की दी, उनकी कोई फाइल नहीं बनी। इसलिए अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने कहा था कि अब मेरी कोई फाइल शरीर से निकल के नहीं जाएगी क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं का अंत करके जा रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया, अब मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं होगा। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट सी बात बताई। इसलिए बुद्ध की जो टेक्निक है, जो थ्योरी है, जो साइंस है, वो आज भी चलती है। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितनी भी कंप्यूटर साइंस है, वो सारी की सारी बुद्ध के सिद्धांत के ऊपर चलती है, क्योंकि वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जिसको ह्यूमन सॉफ्टवेयर का नाम बुद्ध ने बताया वो अभिधम्म पीटक के अंदर ऐसा कैसा लिखा हुआ है। लोगों ने जितनी भी मशीनें कंप्यूटर की बनाई वो सारा अभिधम्म पढ़ के बनाते हैं, और अभिधम्म पढ़ने के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। आपके घर में जो कंप्यूटर है उसमें जो वायरस आता है उससे कंप्यूटर बीमार हो जाता है। बुद्ध ने पहली बार बताया कि व्यक्ति बीमार कैसे होता है। बीमार ऐसे होता है कि जैसे एक आदमी है और उसके पास गलती से कोई चीज़ वो जेब में रख के इस सभा से उठा के ले जाए, कोई कीमती चीज़ सभा से उठा के ले जाए, तो जब वो घर जाएगा और घर जाके उस कीमती चीज़ को देखेगा, जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये साथ चला गया, जब तक ये उसको पता नहीं चलेगा ये मोबाइल साथ आया उसको कुछ नहीं होगा, मगर जैसे ही उसका ये पता चलेगा कि मोबाइल साथ आया है तीन बातें होंगी। पहली बात होगी वो ये कहेगा कि इसको मोबाइल जिसका है उसको लौटा दे, दूसरी बात ये होगी कि इसको रख ले, और तीसरी बात ये होगी कि इसको रखे या ना रखे। बस अगर उसने लौटाने का सोच लिया तो उसको बीमारी नहीं होगी, उसका बिल्कुल शांत रहेगा, पर उसने अगर रखने का सोच लिया इसको तो उसके हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, उसके मन में एक बीमारी का कोड यानी बीमारी का एक जनल आ जाएगा, और वो ब्लड प्रेशर का पहला साइन होता है जो आता है, और वो लगातार अगर ऐसे काम करता रहेगा तो उसकी बीमारी ब्लड प्रेशर या शुगर धीरे धीरे उसकी ख़राब करती रहेगी, और वो अगर इन पांच कामों को नहीं करेगा जो अभी पंचशील में बताए थे तो उसे कोई बीमारी जीवन में नहीं होगी। इसलिए बौद्ध देशों के अंदर क्योंकि पंचशील का पालन करते हैं उनकी उम्र 100-100 साल और 100 साल से भी ऊपर होती है, और जापान में तो खास तौर से भी, क्योंकि वो पांच बातें कभी नहीं करते। अगर आपने ये मोबाइल मेरा लौटा दिया या फ़ोन करके कह भी दिया कि भाई साहब आपका मोबाइल आ गया है, तो आपका चित्त यानी आपका दिल बिल्कुल शांत रहेगा और कोई बीमारी नहीं आएगी। और यही करते आप करते रहेंगे, मन में रखते रहेंगे, तो मन में जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है ऐसे ही मन के अंदर वायरस आता है, और वो शरीर को बीमार कर देगा, आपकी सूरत बिगड़नी शुरू हो जाएगी और आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। इसको छोड़ते चले जाएंगे तो आपका शरीर ठीक होता चला जाएगा। ऐसे ही बुद्ध ने हजारों लोगों की बीमारियां ठीक की, हजारों लोगों को ठीक कर दिया, क्योंकि उनके अंदर जो पांच बातें थी, जैसे शराब पीने की बात है, आप अगर शराब के मन में बात भी लेके आएंगे तो आप चोरी करेंगे, क्योंकि शराब अगर बहुत अच्छी चीज़ होगी तो आप गिलास भर के सबसे पहले अपनी पत्नी को देंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने होने वाले जो बच्चा हुआ है उसका उसे देंगे, और कहेंगे बेटो ये बहुत अच्छी बात है, बेटी बहुत अच्छी बात है, या बीवी बहुत अच्छी बात है, इसे पी लो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शराब अच्छी चीज़ नहीं है।
इसलिए शराब का नाम लेते ही सबसे पहले आपके मन में चोरी आएगी और एक वायरस आपके शरीर में आ जाएगा जो आपको बीमार करेगा। आप चोरी छुपे पियेंगे, बच्चे से छुपके पियेंगे, झूठ बोलेंगे और वो बीमारियाँ धीरे 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 बढ़ती रहती है। लास्ट में वो ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है और वो आदमी को जल्दी ही ख़त्म कर देती हैं। इसलिए बुद्ध को साइंटिफिक आदमी माना जाता है। आज भी बुद्ध के सिद्धांत पे ही जो सुपर कंप्यूटर बने हैं उसी सिद्धांत पे बने हैं और वायरस को ख़त्म करने की टेक्निक बुद्ध से ही आई है और वायरस को डाला भी जा सकता है। जब धम्म को ख़त्म किया गया तो धम्म के चक्र को उल्टा किया गया और उसमें वायरस डाले गए, यानी कि हमें 5 चीज़ें सिखाई गईं। भारत में 5 चीज़ें नहीं थी, शराब भारत में नहीं थी, चोरी भारत में नहीं थी, व्यभिचार भारत में नहीं था, ये जितना भी झूठ बोलने का काम है ये हमारे भारत में नहीं था और ये जो सुरामेर मज्जा वाला है ये भी भारत में नहीं था। तो ये भारत में डाले गए और हर मनुष्य के दिमाग में ये 5 बीमारी, 5 वायरस डाले गए। इन 5 वायरस से हर आदमी ग्रसित है, हर औरत ग्रसित है, वो लालची है, व्यभिचारी है, उसी की वैसे मृत्यु जल्दी प्राप्त होती है। बुद्ध का जो आकलन है वो ये है कि आने वाले समय में बहुत सालों बाद 10 वर्ष में भी आदमी मरने लगेगा। अगर वो 5 सील का पालन करेगा तो उसकी आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी और अगर वो 5 सील का पालन नहीं करेगा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। बहाना ये बनाता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बीबी अगर कहेगी तो उसको टपट देगा, कहेगा मैं तेरे लिए ये सारे उल्टे सीधे काम किए हैं, अपने मन को भी समझाएगा। मगर इस बुद्ध के धम्म के नियम से बच के नहीं जा सकता। उसकी शकल दिन ब दिन खराब हो जाएगी, उसका परिवार खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। इसीलिए धम्म को 2500 साल बाद दोबारा आना था, दोबारा ये आ गया। बाबा साहब के 1956 में ये इसको 2500 साल हो गए, अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इस धम्म सभा में आए, आपने धम्म का श्रवण किया, इसको सुना, आप स्वतापन, आप में से कुछ लोग स्वतापन हो जाएंगे। स्वतापन वो होता है जो सुनता है और आगे बढ़ता है तो उसको 7 बार और दुख का जीवन मिलेगा किसी भी जीव में, उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा। जो स्वतापन नहीं होते उनको सैकड़ों साल लगेंगे, आगे भी लगेंगे। ये धर्म सभा है, इस धर्म सभा में आप लाभ लेंगे। यहाँ जो आज मृत्यु की बात है वो धम्म के अंदर दुख की बात नहीं मानी जाती। अगर शांत मृत्यु होती है, अच्छी मृत्यु होती है तो वो अच्छी बात मानी जाती है क्योंकि वो मुक्ति के रास्ते पे है। मगर अगर शांत मुक्ति नहीं है, शांत मृत्यु नहीं है और मृत्यु परेशान करने वाली है तो वो दुख की बात मानी जाती है। मगर ये अच्छी बात मानी जाती है कि धम्म चर्चा हो तो आगे जीवन में अच्छी मृत्यु प्राप्त हो, अच्छा जीवन प्राप्त हो। आगे वंदना जो भंते जी कराएंगे आपको।